हेलो दोस्तों, सबसे पहले मेरा आप सभी को सादर प्रणाम। मेरा नाम है विजय लक्ष्मी भट्ट, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है लक्ष्मी ब्लॉग। तो स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर, और स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से शहर उत्तरकाशी में। तो चलिए दोस्तों, अभी समय सुबह 7:30 बज रहे हैं और मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो चुकी है। और आज है मेरे देवांश का जन्मदिन, मेरे बेटे का जन्मदिन। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि हम उत्तराखंड में कैसे मनाते हैं जन्मदिन। और जन्मदिन के सुबह हम पहले पूजा करते हैं और भगवान जी की पूजा करते हैं, गणेश पूजन। तो हम उसके लिए क्या क्या करते हैं दिखाते हैं आपको आगे। तो चलते हैं, बने रहना ब्लॉग में, और अच्छी लगी ब्लॉग तो शेयर करना अपने दोस्तों से, और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए आगे दिखाते हैं आपको। तो ये है उड़द की दाल जो कि कल रात भिगोई थी हमने, और अब इसको पीसेंगे और पीस के बनाएंगे इसकी पकौड़ी। और पकौड़ी बना के फिर तब इसको, चार पकौड़ी दो रखो या चार पकौड़ी रखो, पूजा में रखेंगे और तब खाएंगे दो पकौड़ी और दो पूरी। तो मैं इसको पहले पीसती हूँ और फिर दिखाती हूँ आगे। तो ये मैंने सिलवट्टा बिछा दिया है और सिलवट्टे पे दाल रख दी है और थोड़ी दाल है। तो मैं इसको और इसको इस सिलवट्टे में पीसूँगी और फिर चलते हैं आगे। तो ये बन गए मेरे पकौड़े, ये देखो कुछ इस प्रकार के हैं। इन पर तेल लगा रखा है और कुछ ये बनाने के लिए ये है, और दाल ये है, और ये कुछ कढ़ाई में ये। तो पूजा के लिए तो दे दी पकौड़ी और बाकी ये खाने के लिए है। तो ये जन्मदिन पे बहुत शुभ माना जाता है, जन्मदिन पे, शादी पे, और लगभग हर फंक्शन में सबसे पहले हम पकोड़े बनाते हैं, दाल के पकोड़े, उड़द के दाल के पकोड़े। तो ये है मेरे पकोड़े, और अब नाश्ते में पूरी बनानी है। और ये खा रहे बच्चे अभी पिज्जा और केक। ज़्यादा कुछ नहीं था, बस दो वो थी, एक केक था और एक पिज्ज़ा था। पिज्ज़ा उसी ने बोला कि पापा पिज्ज़ा चाहिए, तो और कुछ नहीं लाए, पिज्ज़ा और केक। तो वही खा रहे हैं बच्चे।